यार बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, भाई आप लोग दोस्तों के साथ मिलते नहीं, ये वो फलां टी टाइम नहीं देते। अबे कहाँ के दोस्त, कोई नहीं है आज के दौर में। दोस्त वगैरह नहीं होता भाई, सारे मतलब ही होते हैं। आपको पीछे कांड में डंडा देंगे, कोई दोस्त वगैरह नहीं होते, सारे मतलब ही होते हैं भाई। मतलब के लिए आप लोगों को याद करते हैं, बाकी छड्डो जी, जान दो दोस्तों। आगे हमें नहर पे, नहर पे खड़ा भाई, नहर पे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ भाई। सुकून की हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी आए मजे। तैरना वगैरह आता है मुझे, ऐसे ने कहो यार ये डूब के मर जाए, ऊपर बैठा यार मुझे तैरना आता है, फुल मुझे आता है। अच्छा पानी यहाँ पे बहुत साफ था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं। वापसी घर चलते हैं क्योंकि नमाज का भी टाइम होने वाला है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के बाहर खड़ा हूं, दोस्त मुझे मिले यहाँ पे बाहर खड़े थे, तो अंदर चलते हैं भाई मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते हैं। पहले गर्मी बहुत थी दुआ मांगने के लिए, तो सबसे पहले मैं दुआ मांग रहा हूँ। क्या करे भाई, दुआ भी मांगनी होती है। मेरा भाई जा रहा है मुझे छोड़ के फिर से सात का बाद अपनी स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने भाई इसको जूस पिलाया, क्योंकि खाली पेट अच्छा नहीं लगता ना सफर करना, तो ये सबसे पहले जूस पिएगा, उसके बाद इसको बाय बाय भाई अल्लाह हाफिज। ये जा रहा बस पे, तो यार ये मेरी पता नहीं किसी ने तोड़ दी क्लच, ब्रेक होती है सॉरी ब्रेक, पता नहीं किसी ने तोड़ दी। अच्छा जी खादिम भाई आया था मेरे पास विलेज में, विलेज घूमने के लिए भाई, इसको विलेज अपना विजिट कर रहा है। विजिट करने के बाद अब इसको लेके जा रहा हूँ मैं अपने शहर। यार बंदे यहाँ पे बहुत मिलते रहते हैं, मुझे सलाम करते हैं भाई विलेज वाले। तो यार हमारा पेट्रोल खत्म हो चुका था गाड़ी में भाई, ये दूसरी गाड़ी है, तकरीबन तीसरी गाड़ी में चेंज कर रहा हूँ अभी इस वक्त। ये नारो हमारे शहर में आता है, नारो बा जिसे बोलते हैं आप लोग भाई। ये भाई यहाँ पे मौसम बहुत अच्छी होती है, बस ये बात ये चेक करो भाई। ये रोड है हमारा अभी तक बना नहीं, पता नहीं क्या मसला हो गया, काम इसका रोक दिया गया है, बस अल्लाह खैर करेगा ये बन जाएगा भाई। खादिम मुझसे पूछ रहा था ये रोड क्यों नहीं बना अभी तक, ये पहली दफा आया था हमारे विलेज में। पर मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए, तो लोग आते रहते हैं मिलते रहते हैं। अच्छा मैं अभी आ गया जूस वाली शॉप पे, क्योंकि भाई इसको जूस पिला के बस इसको रवाना करेंगे, ये जूस आप पियेंगे। आज दिन में तकरीबन मैं पांचवी दफा जूस पी रहा हूँ, लेकिन कैमरा मैंने दो दफा रिकॉर्ड किया है। आप लोगों के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, मॉल नहीं है, शोहरत नहीं है भाई, आप लोग अपने दोस्त भी छोड़ जाएंगे, आप लोगों को मेरी तरह मुझे छोड़ के चले गए थे। अब वही लोग मुझसे मैसेज कर रहे हैं भाई, दुनिया बहुत बड़ी कुत्ती चीज है, समझ रहे हैं आप लोग। एक शेर याद आ गया, दुनिया कुछ भी कहे उसका एहतराम न करे, जिससे जमीन माने उसे सलाम न कर। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, ठीक है, आपके घर वाले भी आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे भाई कैसा है तू। पैसे देने की बारी आती है ना, फिर जेब में सांप बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या सीन होता है, बस इसे समझने जेब में हाथ लगाते हैं ना फिर डस न जाए कोई चीज। तो यार अपना शहर आप लोगों को मैं अभी विजिट करवाता हूँ, थोड़ा आए देखते हैं मेरा शहर, आप लोग चेक करें। उबाड़ो शहर है ये मेरा, मेरे पास पहले ये बाइक थी 16 मॉडल, ये तो तकरीबन 21 मॉडल है अभी चला रहे हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 मॉडल सीडी है, वही चलाता रहता हूँ, लेकिन शशका भाई अलग होता है 125 चलाने का भाई, उसको रेस दो है मजे भाई। बहुत ही अच्छी बाइक होती है, स्मूथ राइड तो नहीं होती, स्मूथ राइड होती है 70 गाड़ी की। तो अब मैं वापसी जा रहा हूँ भाई स्कूल को बाय बाय कह के, क्योंकि बचपन में मैं आता रहता था यहाँ, स्टडी करता रहता था, और मुझे थोड़ा काम था मार्केट में, लेकिन सारी मार्केट पता नहीं क्यों बंद हो चुकी है जुम्मे के दिन, अचानक बंद हो गई है, लेकिन पहले तो खुली रहती थी, अभी बंद हो चुकी है। मेरे शहर की कुल्फी नहीं, कुल्फा समझ सकते हैं आप लोग, कुल्फी तो छोटी होती है, ये कुल्फा है। मेरे विलेज जाता है ये रास्ता, ये भी जाता है और मेरे गाँव के हिसाब से वो भी जाता है, बहुत प्यारा है। आप लोग चेक करें भाई, इतना खूबसूरत गाँव और हरियाली। और स्टार्ट करने के बाद घर जाने की तैयारी, यार ये क्या चीज है भाई, बचपन में मैं देखता रहता था, अभी हाथ में लग गई भाई। चलो भाई घर चलते हैं भाई, लेट हो गई, शाम होने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत खतरा है, यहाँ पे रुकना भी बहुत खतरा है। अभी मैं आप लोगों को विजिट करवाने जा रहा हूँ अपनी पुल, ठीक है, ये चेक करें भाई, ये बहुत बड़े लंबे लंबे, यार ये है वायर जिस गेट वगैरह है ना, ये उठाते हैं नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं नीचे करते हैं भाई, इसको खींच के स्पीड चेक करें, बहुत ही स्पीड आ रही है पानी की। और ये है तार जो वायर इसको खींचते हैं, खींचने की वजह से इसमें ग्रारीस वगैरह लगी होती है, इसको पाना लगता है बाहर से। लोग सिर्फ पानी की प्रेशर चेक करें कितनी स्पीड से आ रहा है। अच्छा बाय बाय कहता हूँ मैं अपने नारे को और अपने विलेज को, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाजत, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।